हमीरपुर में बस अड्डे के नजदीक पहुंची एक निजी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हुआ यूं कि बस अड्डे की ओर आ रही एचपी 21B1997 बस बल्टी से बिजड़ी हमीरपुर आ रही थी कि इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद चलती बस में अचानक ही लोग घबरा गए और चालक ने बस को रोक दिया, जिससे सवारियों को जल्दी से बाहर निकाला गया। आग इतनी तेजी से भड़की कि देखते ही देखते पूरी सड़क काले धुएं से भर गई, जिसे देखकर आसपास के वाहन चालक और दुकानदार भी डर गए। गनीमत ये रही कि आग पर बस चालक और परिचालक ने ही काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। चालक ने बताया कि हमीरपुर के पुलिस चौकी के पास अचानक ही आग लग गई और इंजन में आग लगने से गाड़ी को रोका गया। उन्होंने बताया कि आग से इंजन जल गया है और मैकेनिक को बुलाया गया है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी जहाँ जहाँ पुलिस चौकी है वहाँ उसके पास आया, एक से दम से आवाज आएगी मेरे को, बड़ा किसी आवाज आई। मैंने कहा कि इसका टर्बो चला गया, टर्बो चला गया। उसको बोलते बोलते उतनी देर में गाड़ी खड़ी हो गई और धुआं धुआं कर दिया गाड़ी ने। उसके बाद जो सवारियाँ थी मेरे पास, वो 5-7-8 सवारियाँ थी, वो आराम से निकल के आराम से चली गई। अपने बाकी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं और गाड़ी का नुकसान तो ज़्यादा इसमें कोई 25-30 हज़ार हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी 50 हज़ार मिस्त्री आएगा तब उसका लगेगा पता कि नुकसान कितना आया इसमें। अभी क्योंकि जो हमारे को दिखाई दे रहा बाहर, उसमें तो हमें मालूम है कि इतने का नुकसान हो चुका है, मतलब 20-25 हज़ार रुपये का नुकसान बार बार दिख रहा है हमारे। और उसके अब मिस्त्री आएगा जब पता लगेगा कि नुकसान कितना है। इंजन सही हो गया होगा तो लाखों लाखों रुपये का तो नुकसान होगा।